नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेठ जी के नुस्खे में। दोस्तों, रात को पानी में बादाम को भिगोकर अगर आप सुबह खाते हैं तो इसके फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज की इस हेल्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रात को बादाम को पानी में भिगोकर सुबह इसका छिलका उतारकर खाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप इस वीडियो का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। बादाम इंसान के शरीर में हर उस चीज की कमी को पूरा करता है जिसकी जरूरत इंसान के शरीर को स्वस्थ रहने के लिए होती है। अक्सर लोग बादामों को कभी कभी खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग तो बादाम खाने से नफरत करते हैं। दोस्तों, क्या आप भीगे हुए बादामों को खाने के फायदों के बारे में जानते हैं? भीगे हुए बादाम कच्चे बादामों की तुलना में बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बादाम खाना क्यों अच्छा माना जाता है। दोस्तों, कच्चे बादामों को छिलके के साथ खाया जाता है जिसकी वजह से बादाम में मौजूद असली गुण जैसे मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि बादाम का भूरा छिलका इनके अवशोषण को रोक देता है। वहीं अगर आप रात को बादाम को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इनका छिलका उतारकर इनका अगर आप सेवन करते हैं तो इससे मिलने वाले फायदे दोगुने हो जाते हैं। इसके अलावा भीगा हुआ बादाम खाने से इंसान की पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। यही नहीं, बादाम लाइपेज नाम के एंजाइम को भी पैदा करता है जो वसा को गलाता है। इससे इंसान का मोटापा कम होने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भीगे हुए बादाम खाने से हमारे शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर एक, दिल को स्वस्थ रखता है। बादाम एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट की तरह काम करता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। इसी मुख्य गुण की वजह से इंसान का दिल स्वस्थ रहता है और दिल को किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। नियमित रूप से बादाम खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और रोगों से मुक्त रहता है। नंबर दो, वजन घटाने में मददगार। दोस्तों, यदि आप वजन कम करना चाहते हो तो भीगा हुआ बादाम आपके लिए बहुत मददगार साबित सिद्ध हो सकता है। बादाम में मौजूद गुण बढ़े हुए वजन को कम करते हैं। बादाम भूख को मारता है जिससे इंसान को बार बार खाने के लिए भूख नहीं लगती। बादाम खाने से इंसान की बढ़ी हुई उम्र भी थम जाती है। नंबर तीन, डायबिटीज की बीमारी में फायदेमंद। दोस्तों, यदि आप रात को बादाम पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इसका छिलका उतारकर नियमित रूप से खाते हैं तो इससे शुगर और इंसुलिन का लेवल बढ़ने से रुकता है और इंसान डायबिटीज जैसी गंभीर रोगों से भी बचा रहता है। नंबर चार, उच्च रक्तचाप की समस्या में फायदेमंद। दोस्तों, यदि आप नियमित रूप से भीगे हुए बादामों को सुबह के समय खाते हो तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्ति मिलती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने शोध के आधार पर ये सिद्ध किया है कि बादाम का सेवन करने से खून में अल्फा टोकोफेराल की मात्रा बढ़ती है जिससे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। नंबर पाँच, बैड कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना इंसान के शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कोलेस्ट्रॉल का अधिक बढ़ना कई बीमारियों को बुलावा देता है। इनमें से मुख्य है हार्ट अटैक की समस्या और दिल की समस्या। यदि आप नियमित रूप से भीगे हुए बादामों का सेवन करते हो तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी घट जाएगा और हृदयघात व दिल को लगने वाली बीमारियों से भी आसानी से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, भीगे हुए बादामों का सेवन जरूर करिए। प्रेगनेंसी में फायदेमंद। महिलाओं को गर्भावस्था के समय अतिरिक्त डाइट की आवश्यकता होती है। बादाम में फोलिक एसिड होता है जो गर्भ में पल रहे बच्चे के कोशिकाओं को बनाने में और बच्चे का पूर्ण विकास करने में मदद करता है। डॉक्टर भी प्रेग्नेंट औरत को बच्चे के सामूहिक विकास और अपने स्वास्थ्य के लिए फोलिक एसिड की डाइट लेने की सलाह देते हैं और फोलिक एसिड बादाम में उच्च मात्रा में उपस्थित होता है। नवजात शिशु में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो इसके लिए महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बादाम खाने की सलाह दी जाती है।
नंबर 7, त्वचा के लिए फायदेमंद। दोस्तों, बादाम हमारी त्वचा के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। छोटे बच्चों की बादाम के तेल से मालिश करने से उनकी त्वचा चमकदार बनती है और मुलायम बनती है। इसके अलावा बादाम के दूध का इस्तेमाल कई ब्यूटी प्रोडक्ट और साबुन बनाने में भी किया जाता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि बादाम में काफी सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। इनमें से एक है फास्फोरस, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। बुढ़ापे में होने वाले हड्डियों के रोगों से बचाव के लिए हमें बादाम को एक उचित मात्रा में नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, बादाम को कई तरह से खाया जाता है। आप बादाम कच्चे भी खा सकते हैं। कुछ लोग रोस्टेड बादाम खाते हैं, जिससे उनका स्वाद अच्छा हो जाता है। इसके अलावा हम मिठाई, दूध और कई प्रकार के दूसरी चीजों में भी बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बादाम को भिगोकर और फिर उसका छिलका उतारकर खाया जाए तो इससे हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। और दूसरा, इससे बादाम मुलायम भी हो जाता है और यह जल्दी हजम भी हो जाता है। तो इसलिए बादाम का पूरा फायदा उठाने के लिए रात को 1 कप में बादाम को भिगोकर रख दें और सुबह उन भीगे हुए बादामों का छिलका उतार कर खाएं। और दूसरा तरीका ये भी है, भीगे हुए बादामों का छिलका उतार कर इसे अच्छी तरह से पीस कर आप इसे दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं, जिससे मिलने वाले फायदों से आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल सेठ जी के नुस्खे को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।